आप लोग मथुरा हैं तो हमको मथुरा घुमाते हैं, हमारा शहर। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे कि हम मथुरा में एंटर कर गए। वेलकम टू मथुरा, आइए आइए। हमारे ये हमारे मथुरा का मंदिर है, जो भगवान जी अभी थोड़ा रेस्ट करने गए हैं। यहाँ पे यूजुअली होते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि जो मथुरा का एक जगह है, इस जगह का नाम है विश्राम घाट, तो आपको समझ आई गया कि हमारे भगवान जी विश्राम करने गए हैं, तो विश्राम घाट इस जगह से नाम रखा गया, वरना और कहीं भगवान जी कभी विश्राम नहीं करते। इस जगह का नाम विश्राम घाट रखा ही ऐसे गया क्योंकि भगवान जी भी विश्राम करने जाते हैं। ये पेड़े वाला है, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस होते हैं, लेकिन यहाँ के पेड़े भी विश्राम करने गए हुए हैं, तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम और किसी से तो मिलेंगे। ये मथुरावासी गए हैं यहाँ से, ये देखिए बिस्लरी की बॉटल लेके मथुरावासी यहाँ पे आज ना, एक्चुअली आप ऐसे टाइम पे सब सो रहे हैं, घर से बाहर आ नहीं रहा है। ये अरुण तिवारी जी का घर है, ये मेरे बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, इनसे मैं बहुत, ये मेरे बहुत चाहिए थे, मतलब मेरी इनसे इतनी अच्छी दोस्ती है ना, मैं आपको मिलवाता हूँ। अरुण जी, अरुण जी देखिए कौन है, सॉरी वो एक्चुअली थोड़े बिजी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आता हूँ, वाईफाई भी कुछ नहीं, बट कोई बात नहीं, आप कोई मुझसे मिलने जाता है, हम आपको अपने घर से मिलवाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये महल जैसी जगह, ये एक्चुअली महल नहीं, ये मेरा घर है, घर नहीं समझ नहीं मान रहे ना, बट एक्चुअली ये मेरे बाबूजी की मेहनत है, जो उन्होंने शुरू से, दादाजी और उन्होंने जो शुरू से उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, ये उनके बचपन से उन्होंने घर बनाया। तो आप देखना चाहेंगे चतुर्वेदी स्वर्ण कला, इन्होंने उनका बड़े ही प्यार से नाम रखा है, और यहाँ पे हमारी पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, जो आप देखते आ रहे हैं। तो जिस तरह से हमारा परिवार इतना बड़ा है, उनको अकोमोडेट करने के लिए आपको एक बड़ी जगह चाहिए, तो उन्होंने ये घर बनाया। तो जैसे मैं आपको अपने घर के बारे में बता रहा था, लेकिन घर के अंदर नहीं लेके जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि विश्राम घाट है ना, सब घर के अंदर विश्राम ही करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी ना मुझसे सब लोग बहुत गुस्सा है, तो अभी सोते हुए अगर मैंने उठा दिया तो एक आ तो पड़ी जाएगी मेरे मुँह पे, जो मुझे नहीं करना। बट जो मैंने अंदर उनके साथ कुछ किया, जो मैंने एक बम फोड़ा, जो मैंने आपको बताया, उसमें सिर्फ एक मेरी माँ है जो थोड़ा बहुत मेरा साथ दे रही हैं, बाकी सब तो मतलब फुल ऐसे शौक में पड़ गए हैं कि एलडी मतलब लीलाधर ऐसा कर सकता है लाइफ में, क्योंकि हम मैं सबके लिए इस घर में एक बहुत ही मतलब स्पेशली मेरे दादाजी के लिए मैं एक इंस्पिरेशन हूँ, क्योंकि मैं एक सबसे अच्छा बच्चा हूँ, मेरे से इतना प्यार करते हैं कि बनो तो लीलाधर जैसे बनो, लेकिन मैंने उस पर थोड़ा पानी वानी फेर दिया। तो अभी जैसे दादाजी हैं, दादाजी तो उनकी आवाज़ ही ऐसी है कि मुझे बोलते हैं कि लीलाधर, तो मैं वहाँ भाई काम के वहाँ से निकल जाता हूँ कि नहीं, लेकिन जब बताया जयश्री चाची मेरी जो है ना, बड़ी तेज है मेरी चाची, बड़ी तेज है मेरे चाचा चाची, बड़े खुश होते हैं कि जब मुझे कुछ होता है ना तो बड़े खुश होते हैं, अपने कोई ऐसे 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 कर रहे होता, चाचा ऐसे कर रहे, चाची कर रही होती, उनका यही काम चलते रहता है कि ठीक है भाई लीलाधर को डांट पड़नी चाहिए। और फिर आया मुरलीधर जी, है ना, मेरे नाम पे हंसते ना, मेरे भाई का नाम भी मुरलीधर है, हंस लो उसको भी, वो तो एमडी भी नहीं कर सकते क्योंकि यहीं रहते, दादी जी ने लगा दी नहीं मुँह पे एमडी, एमडी कर लिया, मैं तो फिर भी एलडी बोलता हूँ दुनिया में सबको बाहर। तो ये मुरलीधर जो है ना, ये मेरे से इनका मेरा रिलेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब से मैंने ये पोल खोली ना, ये बंदा जो ना मेरे से थोड़ा चिढ़ने लग गया, पता है क्यों, क्योंकि मेरी माँ मेरा साथ दे रही है, अभी कुछ चिढ़ हो रही है कि यार उसको साथ क्यों दे रहे हो, मेरा साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई की कहानी भी एक है पीछे, जब माँ थोड़ा साथ नहीं दे पाई थी, यार माँ है यार, सबके दबाव में नहीं कर सकती यार, बट तुमसे प्यार करती है, समझते हैं, जेलिस, ये भाई लोग ना ऐसे होते हैं ना, जेलिस हो जाते हैं, तो ये मेरे से बहुत जेलिस हो रहा है, यार मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आपको भैया भैया करता हूँ, मेरे से ऐसे करो, मैं आपकी भाभी और अपनी भाभी से भी, अपनी पत्नी से ढंग से बात करते नहीं मेरे भाई, दादाजी चिल्ला रहे हैं उनके सामने, किसी और के मतलब हिम्मत ही नहीं है कोई कुछ बोल रहे, सब नीचे करके बैठे हैं, मेरे तो बस आंसू ही निकले जा रहे हैं, क्योंकि दादाजी जो मेरे लिए आदर्श है मेरे, वो मेरे से ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा रोना आ ही जाएगा बाहर, तो काफ़ी ऐसे रोने धोने वाले सीन भी हुए हैं हमारे, लेकिन दादाजी का एक चिल्लाना है उसके सामने, मतलब दादाजी ने पहले मुझसे बात की, मैंने अपनी बात रख दी, लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आ गया हमारे सीन में जहाँ पर दादाजी हमें कुछ बता रहे हैं, उसके बाद तो मेरे भी बोलने की हिम्मत नहीं है भाई दादाजी, देखिए कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ कि प्यार मुझे दादाजी से भी बहुत है, लेकिन एक वो दादाजी और एक दादा पोते वाला प्यार है, लेकिन एक हर बंदे को लड़की लाइफ में चाहिए होती है यार, एक वो लव तो होता ही है ना, बडिंग लव, मैं तो अभी खिला हूँ यार अभी, तो वो कल ही मेरे पास लाइफ में आई है, तो यार चाहेंगे ना कि दोनों फूल एक साथ ही खिले, तो वो करने के लिए दादाजी को मनाना तो पड़ेगा ही, एंड कोशिश अभी तो जा रही है, अभी तो जिस तरह से रिएक्शन चल रहे हैं
कोई चांस नहीं कि दादाजी मान जाएंगे। एंड मुझे दादाजी का दिल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं उधर, वो तो छोड़ो, दादाजी बाई चांस 1% मान भी जाए, राधा नहीं मान रही मेरी बात, मतलब वही नहीं मान रही कि मैं एलडी से प्यार नहीं करती, मैं एलडी के घर शादी नहीं करूँगी। तो मैं तो मतलब फंसा पड़ा हूँ कि यार जो चीज़ वहाँ अभी रेडी नहीं है, वहाँ कुछ मानी भी नहीं है, यहाँ मैं उसके लिए पिच कर रहा हूँ दादाजी को, दादाजी वो लड़की आ रही है मेरे घर पर, दादाजी ये दादाजी वो, वहाँ पहले लड़की तो माने आने को। तो मैं ना दोनों तरफ से कन्फ्यूज़ हूँ, पहले मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि दादाजी जो बड़ी चीज़ है उसको संभाल लूँ, लड़की तो अपनी जेब में आ जाएगी यार, इतना चार्मिंग तो हूँ यार, इतना टैलेंट तो है कि लड़की को किसी ना किसी तरह पढ़ा ही लूँगा, कोशिश जारी है, बोल तो रहा हूँ मैं।